मोतियाबिंद के सर्जरी के बाद हीलिंग के चांसेस कितनी जल्दी होते हैं, कितना वक्त लेता है पूरी तरह से आंखों का हील होना, क्या कोई ऐसी वजह है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस भी देखी जा सकती है? प्रोजेक्ट या मोतियाबिंद की सर्जरी ने पिछले 25-30 सालों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। वो सर्जरी जो पहले मैनुअली की जाती थी ब्लेड्स की मदद से और जिसमें लेंस भी नहीं डाला जा सकता था, वहां से आगे बढ़ के अब हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं जबकि हर कैटरेक्ट सर्जरी में अपारदर्शी लेंस निकाला जाता है और उसकी जगह एक नया क्रिस्टल क्लियर आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है। इसके अलावा आजकल सर्जरी फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक से की जाती है 15-20 साल से पिछले, और रिसेंटली इसमें एक नई टेक्निक और ऐड की गई है। जबकि मोतियाबिंद में जितने तरह के कट्स लगते थे या जैसे न्यूक्लियस को डिवाइड करते थे, इन सभी स्टेप्स में फेमटो लेजर का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। इन सभी तकनीकी एडवांसमेंट की वजह से आजकल अच्छे सर्जन के हाथ में कैटरेक्ट सर्जरी बहुत ही सेफ हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी इक्का दुक्का केस में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, जरूर आ सकती हैं। किसी भी केस में इन्फेक्शन होने का रिस्क तो रहता ही है। इसके अलावा भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो 1 से 10% लोगों में आ सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन सर्जन की स्किल पे। सभी सर्जन्स के हाथ में कॉम्प्लिकेशन रेट अलग-अलग होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके हिस्से में सबसे अच्छे सर्जन ही आए। सो आपको करीब करीब 10% कॉम्प्लिकेशन रेट के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यदि ऑपरेशन के दौरान जहां हमने आर्टिफिशियल लेंस टिकाना है वो झिल्ली रप्चर हो जाती है तो फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। जिन लोगों का ऑपरेशन से पहले बहुत हाई माइनस नंबर होता है और उनका रेटना वीक होता है, उनमें कभी कभी रेटना डिटैचमेंट की भी कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना रहती है। ये सब कॉम्प्लिकेशन बताने का मुख्य लक्ष्य यह है कि आप लोग ऑपरेशन को हल्के में ना लें। ऑपरेशन फिर भी ऑपरेशन है। कभी कभी हमें पेशेंट कहते हैं कि हम कहते हैं कि उन्हें ऑपरेशन की अभी जरूरत नहीं है और वो कहते हैं कि हम ऑपरेशन करा लेते हैं, तो हम पूछते हैं कारण, तो उनका कहना होता है कि मेरी जेब से क्या जाएगा, मेरे ऑपरेशन का खर्चा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो आजकल जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ हुआ है बहुत जल्दी ऑपरेशन के लिए मान जाते हैं या उसको कराने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ऑपरेशन को इतने हल्के में ना लें, आपकी जेब से आपकी आंख दांव पे लगेगी। चाहे कॉम्प्लिकेशन रेट 1 से 10% ही हो, फिर भी कॉम्प्लिकेशंस कैटरेक्ट सर्जरी में आती ही हैं और एक्सट्रीम केस में कैटरेक्ट सर्जरी में कुछ प्रतिशत लोग अपनी रोशनी भी खो सकते हैं। तो अपनी बची खुची रोशनी को तभी दांव पे लगाएं जब बहुत जरूरी हो।